और नीचे मैंने एक कारपेट डाली हुई है। और एंट्रेंस के राइट हैंड साइड पे ये वॉशरूम है, गेस्ट बाथरूम का। सिंपल सा छोटा सा वॉशरूम है ये। और यहाँ इधर मैंने की होल्डर लगाया हुआ है। और एंट्रेंस के लेफ्ट साइड में हमारा पूजा घर है। पूजा घर के डोर पे मैंने एक बेल लगाई हुई है और ऊपर एक लाइट है। मंदिर तो जैसे सबके घर में ही होता है, छोटा सा प्यारा सा, ऐसा ही है, सिंपल सा। यहाँ पे मैंने वॉल पे रंगोली लगाई हुई है, जो फ्लोर पे लगाने वाली होती है लेकिन मैंने वॉल पे लगा दी है। और ये इसमें खिड़की है। इधर एक हमारे पास बॉक्स था एक्स्ट्रा, उसमें पूजा की सारे सामान रख के उन्होंने उसको कवर कर दिया है। और ऊपर हम लोग के पेरेंट्स की फोटो लगी हुई है। लिविंग रूम में एंटर करने के टाइम मैंने साइड में दो पिलर्स आते हैं, दोनों पिलर्स पर मैंने ये एक फोटो लगाई हुई है। ये हम लोग ने बैंगलोर से लिया था। और इधर दोनों सही लगी। एंट्रेंस करते हुए ये हमारे घर का, ये लिविंग रूम का 360 व्यू है। ये डाइनिंग स्पेस है। हमारा लिविंग रूम बहुत ही छोटा सा है। एंटर करने के बाद लेफ्ट साइड में आपको एक छोटा टेबल दिखेगा, साइड टेबल, और उस पे एक हम लोग इंटरकॉम रखा हुआ है, हमारा इंटरकॉम है। एक पेन होल्डर है छोटा सा और एक टॉय है। पहले ये फोन वॉल पे होता था बट शारफ ने इसे खींच के गिरा दिया। उसके बाद हमारा सोफा है, ये टू सीटर है, एक साइड में टू सीटर है और एक साइड में थ्री सीटर है। इसके आगे सोफे के जस्ट ऊपर एक फैमिली पिक्चर फोटो फ्रेम लगा हुआ है और उसके ऊपर वॉल क्लॉक लगी है। यहाँ पे मेरा टॉर्टोइस रहता है, ये फैंसी वाला टॉर्टोइस है। ये पानी में रहता है तो ये पानी में मैंने एक प्लेट में पानी करके रखा हुआ है और उसमें थोड़े से ऐसे डेकोरेटिव मार्बल्स डाल दिए। और क्योंकि नॉर्थ कॉर्नर है तो यहाँ पे बुद्धा की स्टैचू रहती है। साइड टेबल के जस्ट बगल में खिड़की है और खिड़की के साथ ही एक डोर है जो बालकनी में जाने का है, पर बालकनी बहुत छोटी सी है, वो मैं आपको एक अलग टूर में दिखाऊंगी। और यहाँ पे एक छोटा सा सिटिंग के लिए है टू सीटर। और एक ही कॉर्नर है, इस कॉर्नर में मैंने एक साइड टेबल रखी है, उस पर दो एलिफेंट्स लगाए हैं, ये मैंने कुक से लिए थे एलिफेंट्स, और एंटीक है इसका लुक। और एक कैंडल होल्डर है और एक मेरे लैम्प शेड है और इसके ऊपर मैंने तीन पिक्चर्स लगाई हैं। यहाँ पे मेरा एक इंडोर प्लांट रहता है पीस लिली का, अभी ये छोटा है, अभी नया प्लांट है ये, अभी ये ग्रो कर रहा है। साथ ही यहाँ पे मेरा थ्री सीटर सोफा है जो मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ। इसके ऊपर हम लोग ने एक वॉल पेंटिंग लगाई हुई है, ये मैंने अमेजोन से लिया था। और ये गोल्डन और ब्राउन थीम में है तो ये मेरे सोफे और सेंटर टेबल के संग मैच करता है काफ़ी अच्छे से। टेबल रखा हुआ है, सेंटर टेबल में मैंने ज़्यादा कोई डेकोरेशन नहीं की हुई है। मैंने एक रनर बिछाया है जो कि गोल्ड और ब्राउन कलर का ही है जो कि मैं थीम से मैच करता है। और एक गोल्डन कलर का मैंने यहाँ पे कैंडल होल्डर रखा हुआ है। ये एक्चुअली दो कैंडल होल्डर है, ये अलग है और ये अलग है, पर
कलर, क्योंकि मुझे रेड इसके ऊपर रखना था, तो मैंने इसको बीच में से लगा के एक सिंगल कर। अब चलते हैं फ्रिज की तरफ। फ्रिज के ऊपर मैंने, मेरा छोटा सा फ्रिज है और फ्रिज के ऊपर मैंने सिर्फ एक नॉर्मल सा मैट बिछाया हुआ है। ये मैट जनरली लोग फ्रिज के अंदर लगाते हैं रैक के ऊपर, मैंने इसके ऊपर ऐसे बिछा दिया। इसको क्लीन करना बहुत ईजी होता है और ये काफ़ी मोटे टेक्सचर का है। और उसके ऊपर मैंने एक फ्लावर वॉश लगाया हुआ है। उसके ऊपर मैंने दो फ्लावर्स लगाए, फ्लावर स्टिक्स हैं, ये लाइफ स्टाइल से मैंने लिया था। और एक भगवान की फोटो लगी हुई है, हनुमान जी की। फिर इधर मेरा किचन है, इसको मैंने कर्टन लगा दिया है। और ये हमारा डाइनिंग स्पेस है, फोर सीटर है क्योंकि घर भी बहुत छोटा है, इसलिए मैंने फोर सीटर ही रखा हुआ है। और इसके बगल वाली साइड वाली वॉल पर मैंने दो आर्ट पीसेस लगाए। साथ में कॉर्नर में मैंने एक फ्लावर वॉश रखा है, इसमें ड्राई फ्लावर्स लगे हैं। तो गाइस ये था मेरा बहुत छोटा सा प्यारा सा लिविंग रूम। होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर कीजिएगा। मैं इसको टाइम टू टाइम डिफरेंट सेटिंग में चेंज करती रहती हूँ, कभी बड़ा सोफा उधर करके या कुछ और अरेंजमेंट्स करके, वो मैं आपको आने वाले वीडियो में शेयर करती रहूँगी। तो जिन लोगों के बहुत छोटे से लिविंग रूम हैं, बहुत छोटा सा ड्राॅइंग रूम है, वो इससे काफ़ी आइडियाज ले सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको कैसे अरेंज किया हुआ है। और ये 360 व्यू है मेरे रूम का। तो अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्यारा सा लिविंग रूम पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। एंड अगर आपको मेरे इस छोटे से लिविंग रूम का टूर पसंद आया है, मेरा लिविंग रूम अरेंज करने का तरीका आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे छोटे छोटे और भी वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं। और बेल बटन को ज़रूर हिट कीजिएगा, क्योंकि उससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और इस तरह से आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।